तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुष्का में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं एक नए ब्लॉग के लिए निकलने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैग वैग मेरा पैक हो चुका है, इसमें ट्राइपॉड वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। और आज चलने वाले हैं मेरे यहाँ से करीब 10 या 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, जो कि काफ़ी जो है वहाँ की मान्यता है और भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो आज वहीं पर चलना है। काफ़ी दिनों से करीब मैं खुद ही 8-10 साल बाद जा रहा हूँ करीब वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की जाए, ठीक है। तो वहाँ चल के आप लोगों का वहाँ का माहौल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ही काफ़ी दिनों बाद जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा पीछे घर और भाई भी साथ में जाएगा, ठीक है। भाई के बारे में आगे बताते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तब तक बाइक तैयार है, तो यहाँ से निकलते हैं, चलिए चलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what. तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जहाँ के लिए मैं घर से निकला हुआ था दोस्तों आज बाइक लेके, ठीक है, तो वहाँ फाइनली मैं पहुँच गया हूँ। ये मंदिर जो है टेढ़े नाथ बाबा जी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे महाकाल यानी कि भोले शंकर जी जो हैं, महादेव जी, उनके दूसरे रूप का ही मंदिर है, ठीक है, जिनको टेढ़े नाथ बाबा के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों घर से निकले हुए मुझे काफ़ी देर हो गई, करीब 1 घंटा हो गया काफ़ी, क्योंकि आराम से आए यहाँ आने की। थोड़ी सड़क भी थोड़ा तो हाईवे पड़ता है, बट थोड़ी अंदर के साइड में है 10-12 किलोमीटर, तो आने में थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ, तो एक्साइटेड हूँ यहाँ जाने के लिए अंदर। तो ये मेन गेट यहाँ पर बना है, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर भी चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए, अंदर का ही सीन दिखाते हैं आप लोगों को। वह कि पीछे था मंदिर हमारे, ठीक है, और वो काफ़ी यहाँ से करीब 500 मीटर होगा, ठीक है। तो वहाँ से अभी हम लोग आ चुके हैं बाइक से, क्योंकि काफ़ी ख़राब रास्ता है। अभी आप लोगों को वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ पीछे, ठीक है। और पीछे देखे गोमती नदी हमारे है, तो इस साल काफ़ी जो है बरसात वगैरह हुई नहीं है, ठीक है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा धार इसकी जो है कम है। वैसे तो करीब 10 साल पहले मैं यहाँ 9-10 साल पहले आया था, तब तो ये काफ़ी था वहाँ पर, शायद तब घाट वगैरह बना हुआ था, तो वहीं पे आया था मैं। ये मेरे लिए थोड़ा नया है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ अब क्या बोले इनको, भोले शंकर बैठे हैं, ठीक है। तो ये बने होते हैं पूजा करने के लिए, अब मुझे नहीं पता किस लिए बनाते हैं लोग, यहाँ के स्थानीय लोग बनाते हैं, ठीक है ये। तो और आप लोग पीछे देख सकते हैं गोमती नदी, ठीक है, धार चल रही है, वरना नहाते यार थोड़ा गंदा पानी, इस चक्कर में नहीं नहाएंगे। और उधर भी इस जंगल में भी एक मंदिर है, ठीक है, जो कि लोग यहाँ पे नाव से जाते हैं, बाइक वगैरह यहाँ पे नाव से आप लोग ले जा सकते हैं। मैंने अभी जूम करके आप लोगों को दिखाया था, एक अंकल जी थोड़े से बाइक से क्रॉस कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ की, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, दिक्कत यही आ रही थी कि गांव पे थे तो आप लोगों को यही सब दिखा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यार हम भी आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हैं, इसी चक्कर में तो सोचते हैं दूर ना हो। तो चलिए अभी वापस चलते हैं वहाँ पर मंदिर पर और दिखाते हैं अभी वहाँ कहाँ पूरा टहले हैं यार, आप लोगों को भी पूरा दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई देख सकते हैं जो साथ में आया था हर्षित, और भी कई दोस्त हमारे यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है, यहीं पे पास में थे, रहते हैं गाँव के। तो अभी वो भी उसको शूट करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है, दिखाते हैं पूरा बैक कैमरे से आप लोग को। तो दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं अभी, रुको पास में चल के दिखाते हैं ये आखिरकार ये हैं क्या। पहले पूरा आप लोग एक बार सीन देख लीजिए, ठीक है। ये रही गोमती नदी, तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस पर चढ़ाई जाती हैं मूर्तियाँ, जो पुरानी घर में हो जाती है वो यहाँ पे लाके लोग रख देते हैं। और एक चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, ये जो देखिए नाव उल्टी पड़ी है गोमती नदी में, आप लोग देख सकते हैं, मैंने जूम करके दिखाया है। और उधर एक असली नाव है जो कि लोगों को पार कराती है, इधर से उधर गाड़ी वगैरह इस पर ले जा सकते हैं आराम से, क्योंकि उधर भी मंदिर है ना। Close till I get up, time is barely on our side. तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सामने ही मेरे मंदिर का गेट है, बिल्कुल ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या अंदर शिवलिंग जो महादेव जहाँ पे विराजमान है टेढ़े नाथ बाबा जी, वो दिखाएंगे आप लोगों को सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से जूते उतार के लेते हैं एंट्री। तो आप लोग एक साथ एक चीज़ देख सकते हैं, आप लोग यहाँ की घंटियाँ देख सकते हैं कितनी यार फेमस हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ जो मान्यता आदमी मानता है, ठीक है, कुछ भी मांगता है तो वो घंटियाँ यहाँ पे चढ़ाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो है छोटे से गेट के अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी जो है सारी घंटियाँ लगी हुई हैं, जो कि मैं बैक कैमरे से आप लोग को दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये यहाँ की थोड़ी खासियत है यहाँ की, ठीक है। और बाकी यहाँ से
थोड़ी बहुत हटा दी जाती है क्योंकि काफ़ी वजन हो जाता है इन पर, तो अंदर इनका बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी सारी हैं। पीछे रहा मंदिर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं बैकग्राउंड से दिखा चुका हूँ, और ऊपर ये कहा घंटा। ठीक है, तो आप लोग पीछे से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा था ये, और पूरा आप लोग देख ही सकते हैं। और चलिए थोड़ा वो दिखाते हैं आप लोगों को, फिर चलते हैं यहाँ से घर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया है, यहाँ पे भोले मतलब टेढ़ेनाथ बाबा जी हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं इसी के अंदर। ठीक है, बाकी चारों तरफ का आप लोगों को माहौल दिखाते हैं, मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे देखिए साइड में घंटियाँ बंधी हैं। ठीक है, तो ये चारों तरफ मैंने पूरा चक्कर एक लगा लिया है, ये बैठे नंदी बाबा हमारे। और एक बार फिर से आप लोग देखिए पूरे, ये रहे टेढ़ेनाथ बाबा जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सारा पूरा वीडियो देखा है यहाँ का, जितना भी मैंने आप लोगों को दिखाया, जितना हो सका मैंने वीडियो में कवर किया है। ठीक है, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता अगर मैं और भी सारी चीज़ें दिखाता। ठीक है, तो ये है भाई, ठीक है, इनका नाम है हर्षित वर्मा। ठीक है, तो इन्होंने अभी आज ही नया चैनल अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये पहला ब्लॉग हमारे साथ में शूट करने आए थे, थोड़ा अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो आए थे साथ में। ठीक है, और इनके साथ साथ मेरा भी काम हो गया यहाँ पे। तो इनका नाम मैं बता देता हूँ, इनका जो चैनल का नाम है ब्लॉगर बॉय हर्षित नाम से इनका चैनल है। ठीक है, आप लोग जाइए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग, ठीक है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसको भी सपोर्ट करें, और काफ़ी जो है अभी आगे ब्लॉग में ये हमारे साथ में देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बता दें। वीडियो अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जाकर लाइक कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें यार अगर चैनल पर आप लोग हैं, और वहाँ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।